लास्ट टाइम आप लोग ने जिस तरह से एक प्रपोजल डाला था रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ आरजीयू डेलीगेट्स, उसका बारे बताइए सर। आपका स्टैंड अभी भी वही है ना, कुछ बदलने वाला है सर? तो आई थिंक स्टार्ट हम लोग बातचीत करने के लिए आया है, ये स्टार्ट है, क्योंकि किस वे में सोल्यूशन लिया जाएगा। तो लास्ट टाइम या मैं भाई लोगों ने क्वेश्चन इंसार के लिए हम लोगों ने बोला, इसलिए हम आए हैं फेस टू फेस। तो मैं अभी आरजीएस ने मैंने मुझे बुलाया है, तो मैं फेस करने के लिए आया है। तो बहुत सा पॉइंट रखा है और खास करके आरजीयू को और या एनआईटी को, नरेश को भूल गया कि आप सो इतना काम किया लोगों के लिए, चाहे अगर डेवलपमेंट का फैक्टर में हो, चाहे वीसी लेने में हो, डायरेक्टर लेने में हो, चाहे यहाँ का एडमिशन हो, चाहे या इंडिजिनियस स्टूडेंट को जो है एडमिशन दिलाने में हो, क्या नहीं किया आप सो, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक कितना बार जाके बात किया। तो कुछ कुछ चीज़ ऐसे होता है कि अच्छाई को भी बोलो ना, सिर्फ खराब को बोलने से थोड़ी परफेक्ट इंसान होता है। आदमी अच्छाई को भी बोलो, खराब को भी बोलो, तब तो सोल्यूशन होगा। और आज का मेन और जो प्रपोज था कि आपसू इलेक्शन को लेके, इसमें किस तरीका से स्टूडेंट कम्युनिटी का जो बदनाम को बचाया जाएगा, किस तरीका से जो पीजी लेवल का जो बदनाम है उसको आगे कैसे ले जाएगा, वो था। तो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट तो है ही है हम लोग का वॉट लिस्ट में, और पीजी स्टूडेंट है, तो ज़्यादातर पीजी वाला को जो है बहुत पहले, क्योंकि मैं इसलिए बोला था कि मैं 2 टाइम एक्सपीरियंस हूँ। मैंने एक बार आपसू प्रेजेंट करके हारा है, मैंने एक बार जीता है, और मैंने अभी इलेक्शन करवाने जा रहा हूँ। इसलिए मैं सेंटीमेंट होके जो अभी जो परजिन स्टूडेंट है पीजी स्टूडेंट, मैंने इसको बोला नहीं है। हाँ ज़रूर मैं आरजीयू का या पीजी का मैं मेंशन किया, मैं जो बोला था कि लास्ट टाइम का 2 टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो लोगों को मैंने बोला है। इसमें मेरा अकेला कोई भागीदारी नहीं था, लेकिन सब कैंडिडेट का था, अभी भी एक्सपीरियंस का हिसाब से। इसलिए भाई लोगों को जस्ट रिक्वेस्ट किया कि पहले का जैसे बदनाम मत करो, जस्ट ये जो अच्छा चीज़ को ले जाओ ना, खराब चीज़ को क्यों देगा। और आप अच्छा से स्टैंडर्ड से आरजीयू में से जो कोई भी स्ट्रीम में जो है ख़त्म करके या पढ़ाई ख़त्म करके निकलना है, तो बदनाम करा के क्यों जाएगा पहले का जैसे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले का जैसे अगर फोर्सफुली कोई भी या बुलाने आता है तो करना नहीं है। इसलिए मास गैदरिंग के लिए हमने प्रपोज डाला है, तो कैंडिडेट को बुलाओ, प्रेसिडेंट कैंडिडेट, जीएस कैंडिडेट बुलाओ। तो हम लोग तो चाहता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी बदनाम ना हो और आपसू इलेक्शन पीसफुल हो, और यहाँ में जो है टैलेंटेड बेस्ट एंड बेस्ट जो लीडरशिप चुनो, चाहे राइट फ्रॉम असिस्टेंट से लेकर प्रेसिडेंट, जो अच्छा लीडर को चुनने का आरजीयू पीजी लेवल में सोचना चाहिए। इसलिए मैंने अभी भी ओपनली बोला है कि यहाँ ग्रुप ग्रुप 10 आदमी है के 20 आदमी है के 3 आदमी, किसी को मिलने जाना कोई अच्छा लीडर नहीं चुनेगा, ठीक है। आप मास गैदरिंग करो, स्पीच सुनो उसका ना, उसका ये जो मॉरल को देखो, उसका टैलेंट को देखो, उसका फिट को देखो ना, सब कुछ को देखने का बात तो होगा, नहीं तो ग्रुप 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 बना के या लीडर चुन के फायदा नहीं है। और सर, आज सर आपसू इलेक्शन आने वाला भी है, अभी टाइम भी नहीं है, आपको क्या लगता है, हमें आप एक सियोरिटी दे सकते हैं कि लिमिटेशन होगा कि नहीं ये आरजीयू डेलीगेट से? ये फर्स्ट हम लोग का स्टार्ट है बाद में, और आरजीयू वाला मेरा ख्याल से जो भी पीजी वाला जो अच्छा सोच हम लोग प्रपोजल डालेगा, हम लोगों ने तो इसको प्रपोजल रखा है, जो कि मैं या किसी का राइट को मैं ख़त्म करने नहीं आया है, हर किसी का सोच को मैं या मैं जो टेबल में ला दिया। तो हम चाहते हैं कि पीजी स्टूडेंट लोग जो अच्छा सोच लाएगा। सर एक एयर न्यूज़ हमें मिला है कि बहुत सारा आपसू एग्जीक्यूटिव वाला आपका जो ये डिसीजन से नाखुश है, इसलिए अभी बहुत सारा एग्जीक्यूटिव भी यहाँ आया नहीं है मेरे हिसाब से, तो आपको क्या लगता है सर? तो जो कैंडिडेट बनता है वो तो कहाँ से खुश होगा, क्योंकि उसको यहाँ में इफेक्ट होने वाला है ना, उसका जो फेवर कैंडिडेट के लिए जिसको इफेक्ट होता है उसके लिए खराब है। मेरा लिए अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा लिए सब कैंडिडेट बराबर है, सब स्टूडेंट बराबर है, और असिस्टेंट से प्रेसिडेंट तक मेरा लिए बराबर है। मैं यहाँ किसी को कैंपिंग करने नहीं आया ना, सिस्टम को हम लोग कराने जा रहा है, ये मेरा कन्वीनर है, कन्फ्रेंस चेयरमैन है, हम लोग सिस्टम को जो है पीस वे में या एक मॉरलिटी वे में तो हम लोग कराने जा रहा है। इसमें कैंडिडेट वाला कौन है, अभी मेरा एजुकेटिव कौन है, वो ना ओपिनियन आने दो। मैं ये बात जो है मैं
थोड़ी मैं चुप के बोला है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर का सामने में रखा है, ऑब्जेक्शन वाला कोई नहीं था, चुप के क्यों बोलता है? और सबके लिए मैं सोचता हूँ, और आरजू में जो सबसे बड़ा बात भाई ना, हमें एक बार मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ, कोई मेरा कैंडिडेट नहीं है, मैं मेरा कैंडिडेट घूमता है। आज भी मैं आपका थ्रू तुरमा चैनल से मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी प्रेसिडेंट को, किसी जीएस को, किसी आरजू स्टूडेंट को, किसी को साथ दौड़े आज भी कोई बोला है क्या? मैं तो किसी को नहीं बोला है, मैं किसी के लिए कैंपेन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आउट गोइंग है, मैं अच्छा से निकलना चाहता हूँ, शांति से निकलना चाहता हूँ, मेरा लिए कोई कैंडिडेट नहीं है, ठीक है? अगर यह में मेरा सबसे शर्मनाक है, जो जीतने के लिए नहीं आता है, हारने के लिए, किसी को हराने के लिए या कैंपिंग करके घूमता है, बहुत बेशर्म वाला चीज़ है। आप आना तो जीतने के लिए आओ ना, हारना जीतना तो एक परिभाषा है, लेकिन आप जीतने के लिए आइए ना, किसी को हराने कोई आता है क्या? और आउट गोइंग को या में जो है अगेंस्ट भाग के क्या मिलेगा तुमको? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग गलत करने वाला नहीं है, इलेक्शन बिल्कुल हम लोग गलत करने वाला नहीं है, बहुत अच्छा है। किसी सब आदमी का प्रॉब्लम को लेके, सब आदमी का प्रॉब्लम को समझ के, कैंडिडेट का, खास कर प्रेसिडेंट जीएस का को हम करेगा, तो इसमें क्या है? हम तो और ना स्टूडेंट में जो मेरा इतना काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं क्यों मैंने झगड़ा करवाएगा, झगड़ा करेगा खुद करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आउट गोइंग को या ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है, अपना जीतने के लिए खेलो ना। मेरा कैंडिडेट नहीं है ये भाई, क्योंकि मेरा समय में हम टू टाइम या मैं ऐसे हैप्पी नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस है। हम अभी हम आपसू इलेक्शन करवाने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि अभी प्रेजेंट स्टूडेंट ऐसे ना हो, क्योंकि कोई ना कोई तुमको फ्यूचर में ऐसे बोलेगा तो कितना दर्द होगा। हाँ, ये थोड़ी मैं प्रेजेंट को बोला हूँ, मैं तो फ्यूचर को बोला हूँ, मैं टू टाइम या मैं ऐसे हैप्पी नहीं हुआ है, तो इससे एक्सपीरियंस और क्या होगा। सर आज का